बुद्धि रूपी तराजू का कांटा एकाग्र करने के लिए बाप ने ये तरीका बताया कि सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहो। आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर जो काम करेंगे वो ईश्वरीय मत के अनुकूल ही होगा, और देवान में रहकर के जो कार्य करेंगे भले ईश्वरीय सेवा करें, कोई को ज्ञान ही क्यों न सुनावे लेकिन देवान में रह करके सुनावेंगे तो सेवा होगी या डिससर्विस होगी। अपने को देखना है घड़ी घड़ी कि जो कार्य हमने किया वो देवान में रह करके किया या आत्माभिमानी रहकर किया। आत्माभिमानी रहकर के जो काम करेंगे ईश्वरीय सेवा करेंगे उसमें खुशी आएगी। क्या सेवा का मेवा मिलेगा खुशी, इससे साबित होता है हमने श्रीमत के अनुकूल काम किया, और अल्पकाल की खुशी नहीं सदा काल की खुशी। जब जब उस सेवा की बात को याद करेंगे उसका रिजल्ट देखेंगे तो अंदर से खुशी आएगी, हमने ये बहुत अच्छा काम किया।